अनिल भट्ट का मोस्ट पॉपुलर न्यूली लॉन्च शो मेघा बरसे के ऑफर से पहले नेहा राणा एके मेघा ने तोड़ी चुप्पी। बताई बड़ी वजह, तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, कलर्स टीवी पर न्यूली लॉन्च हुआ शो मेघा बरसे बहुत ही जल्दी ऑफर डेंजर में आ चुका है। हालांकि मुझे ये ऐड करना होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे शो हैं जो बहुत ही कम दिनों में, कम समय में भी ऑफेयर हो जाते हैं, जिसमें से एक मेघा बरसे पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह है नील भट्ट के साथ आयशा सिंह की केमिस्ट्री को, जो कि काफ़ी सारे फैंस मिस कर रहे हैं। इसको लेकर अब नेहा राणे, जो कि मेघा का कैरेक्टर निभाती हैं, एक्ट्रेसेस ने तोड़ी है चुप्पी और बता दी है बड़ी वजह। नेहा ने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस तरीके के रूमर्स फैला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये शो कब ऑफर होगा और इस शो का क्या परफॉर्मेंस है। एज एन एक्टर हम अपना काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिस तरीके से मुझे डीएम करते हैं, नील भट्ट को डीएम करते हैं, शो के कमेंट सेक्शन में भरे होते हैं कि लोग आयशा सिंह के साथ नील भट्ट को देखना चाहते हैं। तो ये जो वो केमिस्ट्री है, सैराट की केमिस्ट्री, वो लेजेंड केमिस्ट्री है, उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। नेहा ने कहा कि मुझे लगता है कि आयशा सिंह एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी भी है, लेकिन बहुत सारे फैंस इस बात को भी भूल रहे हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। हालांकि नील भट्ट के साथ में नेहा राणे की जो केमिस्ट्री है वो उतनी पसंद नहीं की जा रही है जितना कि सैराट को गुमे किसी के प्यार में शो में पसंद किया गया था। और ये एक सबसे बड़ी वजह है कि जब शो की टीआरपी नहीं आएगी तो किसी भी बड़े शो को ऑफर करना इट वॉज नॉट अ बिग डील। और नील भट्ट के शो को ये बड़ा झटका तब लगा है जब आयशा सिंह के शो में एंट्री नहीं हो रही है और मेघा और नील भट्ट की जो केमिस्ट्री है वो फैंस को उतनी रास नहीं आ रही है। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।